हेलो मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपके पास महमजोई का जज्बा है और आप रवायती उर्सी लिबास में एक अनोखा मोड़ चाहते हैं तो अलग अलग की एक खुशगवार तलाश शुरू करने पर गौर करें। ये दिलकश रुझान आपको फ़नी तौर पर मुख्तलिफ टॉप्स और स्कर्ट्स को मिलाने की इजाज़त देता है, जिसके नतीजे में एक शख्स शक्ल मिलती है जो वाकई आपके मखसूस अंदाज की अक्सी करते हैं। आप एक खुशनुमा लैस क्रॉप टॉप को रहते हुए टोले स्कर्ट के साथ जोड़ने का इंतखाब कर सकते हैं, या एक शानदार मोतियों वाली चुल्ली का इंतखाब कर सकते हैं। फ्लोइंग टूल स्कर्ट या चिकना साइडन स्कर्ट के साथ हम अहंग मोतियों वाली चुल्ली का इंतखाब करें। इम्कानात लामहदूद है और ये नज़र आपको मौका फराहम करता है कि आप अपनी शादी के लिबास में अपनी ज़ाती राबता को शामिल करें और इसे वाकई एक किस्म की शक्ल दें। आखिर में उर्सी लिबास का इंतखाब करते वक्त आपकी मुनफरिद जिस्मानी किस्म पर गौर करने की बुनियादी अहमियत पर जोर देना चाहता हूँ। अगरचे कुछ स्टाइल जदीद ये बसरी तौर पर दिलकश लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि इसे लिबास का इंतखाब किया जाए जो आपकी शख्सियत की गैर मुतज़ल इतमाद का एहसास पैदा किया करें। जिस्म की मुख्तलिफ अकसाम को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए और नेक लाइन के बेशुमार मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे डरने की इल्तजा करता हूँ। आप रवायती उर्सी लिबास पर एक मुनफरद मोड़ तलाश कर रहे हैं। अमकनात ला तमन्ना ही है और ये आपकी शादी के लिबास में अपना ज़ाती रबता शामिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। अलहदगी के साथ आप सही मनु में अपनी इनफरादियत को जाहिर कर सकते हैं और एक किस्म की दुल्हन शक्ल बना सकते हैं जो मुनफरद तौर पर आपकी ही हो। आखिर में शादी के लिबास का इंतखाब करते वक्त आपके जिस्म के किस्म पर गौर करने की अहमियत पर जोर देना चाहता हूँ। जबकि कुछ तर्ज़ें जदीद या बसरी तौर पर दिलकश हो सकती हैं, मज़ीद आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।